नमस्कार, आपके अपने फर्स्ट रैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बीएल रिवार्ड। साथियों, आज सोमवार है, 5:07 का समय हो रहा है। हमारा विशेष सेशन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को समर्पित है, इस सेशन में हम देश भर के अंदर विभिन्न जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है उसके लिए महत्वपूर्ण पाठ जो बाल विकास है उसकी विषय वस्तु पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस समय हमारा पहली जो यूनिट है वृद्धि और विकास, उसी की विषय वस्तु पर चर्चा चल रही है। पिछले सेशन में शनिवार को वाइगोत्स्की के ऊपर हमारी बात हुई थी। वाइगोत्स्की से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन 15 प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है, नंबर 2। उसके बाद में बच्चे का नैतिक विकास कैसे होता है और नैतिक विकास के ऊपर जीन पियाजे और कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत दिए, तो आज के इस सेशन के अंदर हम कोहलबर्ग के सिद्धांत को भी पढ़ने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो आपका सेशन है उसमें आपको ढेर सारी नई जानकारियां मिलने वाली है। हम सेशन शुरू करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। जो महत्वपूर्ण पहली जो सूचना साथियों, वह है आपके लिए कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ने बीएल रिवार्ड और गरिमा रिवार्ड के द्वारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, रीट लेवल सेकंड के लिए गणित और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए, इसके अलावा लेवल फर्स्ट के बच्चों के लिए कुछ आपके लिए निर्देशिकाएं हैं वो पब्लिश की गई है, आपके लिए उपयोगी है, आप इनसे लाभान्वित हो सकते हो। इसके बाद में जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विभिन्न अवसरों के ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उनसे आप लाभान्वित हो सकते हो अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अब ये आपका एक महत्वपूर्ण कोटेशन है और ये आज से जुड़ा हुआ ही है। हमारे राजस्थान के अंदर अभी जो एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है तो मुझे लगा कि हमें ये लेना चाहिए, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है, पूरी दुनिया के रोजगार चले गए हैं, लोग भूख मर रहे हैं, लोग युवा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके रोजगार का कोई भी और उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और इसी बीच के अंदर आपके सत्ता में बैठे हुए निकम्मे लोग कितना घिनौना खेल खेल रहे हैं, मतलब इनको सिर्फ सत्ता की पड़ी है और देश भर के अंदर कितने भयंकर तरीके की स्थिति है कि पूरा भारत देश है वो नए रिकॉर्ड तोड़ रहा कोरोना महामारी के मरीजों में। हम अभी 3 नंबर पर है और बहुत जल्द दुनिया में 1 नंबर पर आ जाएंगे जहां पर सबसे कोरोना के मरीज होंगे। और जब हम 1 नंबर पर आएंगे तो आप अनुमान नहीं लगा सकते इतना भयानक दृश्य होगा हमारे देश का। अमेरिका के अंदर है वो लगभग 40 लाख के लगभग संख्या पहुंच रही है और अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं है। कल अमेरिका के अंदर 75,000 नए मरीज एक दिन में मिले हैं और आपके भारत देश के लिए कहा गया है कि आपके सितंबर अक्टूबर तक हमारे देश में रोजाना 2.5 लाख तक लोग मिल सकते हैं। तो आप एक अनुमान लगाइए और इसी बीच के अंदर सत्ता में कितना घिनौना खेल चल रहा है। तो आप लोग सभी के सभी शिक्षक बंधु हो तो आपको यह नहीं समझना है कि राजनीति आपकी चर्चा का विषय नहीं है, वो आपकी चर्चा का विषय है और वो आपकी जिंदगी को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, आपकी जिंदगी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। ये राजनीति है जो ये तय करती है कि आपको नौकरी देनी है कि नहीं देनी। ये राजनीति है जो ये तय करती है कि रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर लेवल सेकंड के बच्चों को लेवल फर्स्ट के बच्चों के हिस्से में भाग लेना है या नहीं लेना। ये राजनीति है जो ये तय करेगी कि 2020 में परीक्षा करवानी है या नहीं करवानी है। तो राजनीति के अंदर रुचि लीजिए और अपने हकों के लिए अगर कोई आपका द्विधाहित गलत हरकतें कर रहा है तो उसका खुलकर के विरोध कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, आपके देश के संविधान की प्रस्तावना में पहली लाइन क्या है,
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे हम अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपके पास में ताकत है, ध्यान देना, संविधान निर्माताओं ने सबसे बड़ी जो ताकत सौंपी है वो आम जनता को सौंपी है, वो आपको सौंपी है। तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और विधायकों पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर अंकुश लगा करके रखिए, नहीं तो ये निकम्मे आपको बेच खाएंगे और आपके भविष्य को चौपट कर देंगे। उन पर अंकुश लगाइए। अगर अभी सरकार गिर जाती है तो मान करके चलिए कि 2021 तक भी आपकी भर्ती नहीं आएगी। अगर आपकी अभी सरकार अस्थिर हो गई है तो आप दूर दूर तक आप अपने हितों के बारे में सोच नहीं सकते। तो उन पर नकेल कसिए और उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी भी कीजिए, उनसे सवाल पूछिए कि निकम्मो तुम सरकारों को इस तरह क्यों कर रहे हो। अब आइए, यह विषय बड़ा है क्योंकि मैं आपको बाल विकास का विषय वस्तु पढ़ाता हूं, नहीं तो मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है इन निकम्मों के ऊपर। लेकिन चलो, हम आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपने विधायकों पर अंकुश लगाओगे और उनको कहोगे कि आप है वो राज्य को आगे बढ़ने दीजिए। अगर आपके पास में ताकत है तो आप है वो 101 विधायक बन करके नई सरकार का गठन करो, लेकिन बाद में करो। आप एक बार कोरोना महामारी से बाहर निकालो राज्य को और उसके बाद में आप अपने बारे में सोचिए। अब आइए साथियों, हमने पिछले सेशन के अंदर है वो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा था। किसका? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। उसके अंदर साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। साथियों किसका है ये? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और उसके अंदर ये हमने बात पढ़ी थी कि एक ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अंदर आपका जो सामाजिक वातावरण है वो बड़ा रोल प्ले करता है। जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो वातावरण में, कौन से वातावरण में? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में वो घटना पहले गठित होती है और बच्चे के अंदर वो घटना बाद में गठित होती है। यही एक सिंपल सी एक लाइन अगर मैं कहूं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को, तो यह सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी जो संज्ञानात्मक घटना होती है वो पहले कहां गठित होती है? जो मानसिक योग्यता है, बौद्धिक योग्यता है, वो पहले कहां पर गठित होती है? वो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में गठित होती है और फिर बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब देखो आगे, हमने इसके अंदर साथियों आपका यह भी पढ़ा था कि बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में होने वाले अधिगम का प्रतिफल होता है। इसके बाद में हमने इस बात को पढ़ा था कि जो संज्ञानात्मक विकास की जो यात्रा होती है उसके लिए ये चार साधन इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने साधन? चार साधन, चार उपकरण है, चार इंस्ट्रूमेंट है साथियों। एक है ध्यान है, दूसरा संवेदना है, तीसरा प्रत्यक्षीकरण है और चौथा स्मृति है। ध्यान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां पर। इसके बाद में हमने एक बात को और पढ़ा था साथियों, हमने MKO पढ़ा था। MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर। MKO वो लोग हैं जिनके पास में ज्यादा अनुभव है, ज्यादा नॉलेज है, जो बच्चों से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए क्या हूं? MKO हूं मैं। इसके बाद में साथियों हमने एक शब्द और पढ़ा था कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है, ये साथियों हमने इस बात को देखा था कि बालक विशेष की जानकारी, बालक विशेष को जो जानकारी होती है और ज्ञान में पाए जाने वाले उस अंतर से होता है जो बालक के द्वारा स्वयं किए गए प्रयत्नों और कुशल और अधिक जानकार साथियों के निर्देशन में किए जाने वाले प्रयत्नों के बीच पाया जाता है। इसको हमने इस तरीके से देखा था, इस तरीके से हमने ये बताने का प्रयास किया था कि ये बालक है, ये बालक का नॉलेज है और ये साथियों वो इलाका है जिसकी इस इलाके को, और जो नॉलेज है, इस इलाके का नॉलेज है वो अपने गुरुजन की मदद से,
अपने माता पिता की मदद से, अपने साथियों की मदद से इस क्षेत्र को वो बच्चा प्राप्त कर लेगा। ये ज्ञान का क्षेत्र है। तो इसको क्या बोला गया था? इसको बोला गया था ZPD। क्या बोला गया था? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला गया था। इसके बाद में हमने एक बात और पढ़ी थी, पाड़ या पाइट, इसको बोलते स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग का मतलब ये हुआ साथियों कि ये जो आपका इलाका है, यानी इस इलाका, यह बच्चे का इलाका है और बच्चा इस क्षेत्र को नॉलेज को प्राप्त कर रहा है, तो इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए अध्यापक लोग जो बच्चे को मदद करते हैं, माता पिता बच्चे को जो मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसको बोलते हैं पाड़, पाइट या इसके फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। अब इसके बाद में जैसे इसके ऊपर फल तोड़ रहा है तो अध्यापक ने इसको एक सपोर्ट किया साथियों, एक मदद की, ये इसके फोल्डिंग है। क्या? इसके फोल्डिंग। जैसे एक बच्चा साइकिल चला रहा है, साइकिल गिर जाती है साथियों, तो अध्यापक ने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, उसके भाई ने, उसके माता पिता ने मदद कर दी और एक बार साइकिल को पकड़ा, फिर उसने साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। तो वहां पर अध्यापक ने, उसके माता पिता ने साइकिल चलाने में जो थोड़ी सी सपोर्ट किया, वो क्या? इसके फोल्डिंग है। क्या है वो? मचान है। क्या है वो? पाड़ है। क्या है वो? पाइट है। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए साथियों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो BL रिवार्ड टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर ले, लाभान्वित होते रहेंगे। जो भी PDF फाइल वगैरह वो आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगी BL रिवार्ड टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो, अब आपके लिए ये प्रश्न है। अब आपको मैं बता दूं, मैंने विभिन्न राज्यों के अंदर जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, किसके? वायगोत्स्की के। तो साथियों मैंने आपको बताया, जो पीछे मैंने पढ़ाया ना, अभी मैंने रिपीट कर दिया, टोटल प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न यहां से बाहर से नहीं पूछा गया। मेरे को लगा कि कुछ और भी इनको बताने की जरूरत है क्या, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन है वो आपका इसके बाहर नहीं पूछा गया। देखिए पहला प्रश्न, निर्माणवाद का सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? निर्माणवाद का सिद्धांत, यानी ज्ञान की बच्चे रचना स्वयं करते हैं साथियों, तो यहां पर सामाजिक रचनावाद की बात करते हैं। कौन? वायगोत्स्की। आपकी तरफ से जो जवाब आया है वो वायगोत्स्की का आ गया है। अच्छा है। इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, विकास का कौन सा सिद्धांत है? विकास में सामाजिक संबंध पर ध्यान देना, यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है साथियों। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, प्यारा प्रश्न है साथियों, कि सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। किस पर? सामाजिक संबंधों पर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड, सभी बच्चे हैं वो राइट आंसर दे रहे हैं, वायगोत्स्की। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3, एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए। ध्यान देना, देखो कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वायगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया है? यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्यारा प्रश्न है साथियों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो, आप पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो। वायगोत्स्की द्वारा किस पद का प्रयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 3, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, यहां पर हरीश अच्छा जवाब दे रहा है, प्रकृति तोमर भी सही जवाब दे रही है, इसके बाद में दिनेश सही जवाब दे रहा है, तिलोक सही जवाब दे रहा है, शेख नदीम सही जवाब दे रहा है, रिया सही जवाब दे रही है, संयुक्त पारिक सही जवाब दे रहा है, अंकुल शर्मा सही जवाब दे रहे हैं, काजल सही जवाब दे रही है, खुशी सिंघानिया, अब सभी के सभी बच्चे हैं वो अच्छा जवाब दे रहे हो। यह सामाजिक सहायता इसके फोल्डिंग है, ये सामाजिक सहायता है, इसको क्या बोलोगे? इसके फोल्डिंग। और क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं पाड़, इसी को क्या कहते हैं? पाइट। क्या बोलते हैं? पाइट। इसी को पाइट कहते हैं, इसी को पाड़ कहते हैं, इसी को साथियों एक नाम और आपका मचान, इसी को मचान भी कहते हैं। अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, वायगोत्स्की के अनुसार वयस्क तकनीकों का उपयोग करके
नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क तकनीकी का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ, उसमें क्या कि ये जो आपके कमेंट बड़े फास्ट चलते हैं तो मेरे दिमाग के अंदर जो सामने आंखों के सामने जो आ जाता है उसका नाम बोला जाता है, लेकिन इसी बीच के अंदर क्या आ जाता है, और बच्चों के नाम भी आ जाते हैं। तो इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, जो सामने आ जाता है उसका बोल दिया जाता है। आपको क्या होना है, आपको आंतरिक रूप से विप्रेरित होना है, मेरी नज़रों के सामने आए चाहे ना आए, आपको अपने हौसले बुलंद रखने हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर इसके देखो, ये स्कार्फ फोल्डिंग ये लिख दिया गया, ये अनुवाद इसी रूप में हुआ, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का है। क्वेश्चन नंबर 5 वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोर है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए, किसके लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोर है। यहां पर वाइगोत्स्की किस पर जोर दे रहे हैं, वो शिक्षा पर दे रहे हैं, धर्म पर दे रहे हैं, बुद्धि लब्धि पर दे रहे हैं, या सामाजिक परिस्थिति पर दे रहे हैं। जवाब दिया जाएगा असम, आपका जवाब दिया जाएगा, आप जवाब दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फाइव और ज्यादातर बच्चे हैं वो जवाब इसका सही दे रहे हैं। यहां पर है सामाजिक परिस्थिति, क्या है सामाजिक परिस्थिति, किसके विकास में, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, कि संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, कोग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का, जो बौद्धिक विकास होता है बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, समस्या समाधान करने का डेवलपमेंट है बच्चे की, स्मृति का है बच्चे की, समस्या सॉल्यूशन का है, संश्लेषण का है, विश्लेषण का है, ये सब कुछ है, वो सामाजिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है। क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, किसी भी तरह की जो बौद्धिक व्यवहार है, वो वातावरण में पहले गठित होता है। कैसे वातावरण में, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में वो घटना पहले गठित होती है और बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके बाद होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और 6 नंबर का क्वेश्चन, कौन तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है। देखो किस रूप में प्रश्न दिया, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का है और यह 2019 में जो एग्जाम लगा उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, कौन तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है। तो देखो अच्छा प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर राइट आंसर आ रहा है, वाइगोत्स्की रूसी विद्वान है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित है। देखो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति दोनों का उल्लेख करता है वाइगोत्स्की, तो यहां पर संस्कृति पर केंद्रित है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है। किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित है, फ्रॉम फ्राइड, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है इसमें 3 नंबर आपका राइट आंसर आएगा, वाइगोत्स्की।
वाइगोत्स की है, वो इसका राइट आंसर आएगा। वो किस पर बात करता है? संस्कृति पर करता है, और किस पर करता है? आपके बच्चे के सामाजिक विकास पर, सामाजिक परिस्थिति के ऊपर बात करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, वाइगोत्स्की ने कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया है जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान देते हैं। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं है, उन्हीं बिंदुओं के ऊपर दाएं बाएं से प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए, वाइगोत्स्की ने कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया है जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान देते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत पर बात नहीं की है, भावनात्मक पर बात नहीं की है, सामाजिक पर नहीं की है। यहां पर जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो डेवलपमेंट किस से जुड़ा हुआ बताया है, वो उन्होंने बताया सामाजिक से बताया है कि किसी भी तरह का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके लिए जो बौद्धिक व्यवहार है वो पहले वातावरण में घटित होता है, इसलिए वो बार बार बच्चे के संज्ञानात्मक डेवलपमेंट में बार बार सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात करते हैं, और तमाम तरह के प्रश्न जो वाइगोत्स्की से पूछे गए वो इन्हीं के इर्द गिर्द आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खाली जगह पर नए संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है। नए संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है, संज्ञानात्मक विकास के लिए, किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। कौन सा दृष्टिकोण? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है। तो ये नाम याद रखोगे साथियों, इसका मतलब यह है, यहां पर इसका मतलब यह है कि जेरोम ब्रूनर ने नहीं किया है, नंबर 2 कोल्ब ने नहीं किया है। कोल्ब ने साथियों अनुभवजन्य अधिगम पर बात की है, इन्होंने अनुभवजन्य अधिगम पर कोल्ब ने बात की है, जिन पियाजे ने भी बात नहीं की है। और यहां पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो लिव वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, अंधेरी आ गई थी इसमें। हाँ, अब देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार कोच छोड़कर के निम्न पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। इसमें साथियों क्योंकि सामाजिक परिवेश की बात की है, सांस्कृतिक परिवेश की बात की है, तो हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारा जो सांस्कृतिक परिवेश है, इन के अंदर निम्नलिखित बातें शामिल होती है साथियों। आपकी धारणाएं शामिल है, आपके मूल्य शामिल है, आपकी परंपराएं शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा साथियों वो आ जाएगा 3 नंबर, अज्ञानता। वाइगोत्स्की के अनुसार अज्ञानता को छोड़ करके निम्न पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। क्या क्या स्थानांतरित होते हैं? आपकी धारणाएं स्थानांतरित होती है, मूल्य स्थानांतरित होते हैं, परंपराएं स्थानांतरित होती हैं। अभी तक भी आए नहीं,
स्विच था वो ऑफ पड़ा था और पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाया। सर ब्रेल लिपि से पढ़ा रहे आगू के। हाँ आप लाइन पर बने रहिए, आप लाइन पर। हाँ अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर देखिए जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा वाइगोत्स्की की के अनुसार अज्ञानता को छोड़ करके ये तमाम चीजें जैसे धारणाएं हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित तो होती है। क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 11, 11 नंबर का क्वेश्चन है किसी भी, ये आरपीसी में आया साथियों 2020 के अंदर, 2020 के अंदर आरपीसी के अंदर ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? देखो कितना प्यारा प्रश्न आया है। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं? इसको आंतरिकरण कहते हैं, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, इसको अनुकूलन कहते हैं, या इसको एसिमिलेशन कहते हैं। 2020 के अंदर राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में पूछा गया साथियों क्वेश्चन है, प्यारा प्रश्न है, क्या कहते हैं इसको? इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, 12 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आप इसको थोड़ा सा ठीक करो, ये साफ नजर नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जे पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद पर बात की है इन्होंने, जे ब्रेसफोर्ड इन्होंने एंकर्ड अनुदेशन के ऊपर बात की है, वीएफ स्किनर ने व्यवहारवाद से जुड़े हुए विद्वान हैं, और उसके आगे आता है आपका एल एस वाइगोत्स की। ये व्यक्तिगत रचनावाद के नहीं है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, और यहां पर ये व्यक्तिगत रचनावाद नहीं है, ये सामाजिक रचनावाद के हैं। ये किसके हैं? सामाजिक रचनावाद के हैं ये, सामाजिक। देखो आपको जानकारी होगी कि जो ली वाइगोत्स की है इनका जो सामाजिक रचनावाद है, सामाजिक जो रचनावाद है इसको रचनावाद की दूसरी लहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को, सामाजिक जो रचनावाद है इसको रचनावाद की दूसरी लहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी लहर कहा जाता है। आप कहोगे सर पहली लहर जो जीन पियाजे है साथियों, कौन? जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे के द्वारा, जो पियाजे ने जो स्टडी किया साथियों, जो संज्ञानात्मक रचनावाद है इसको कहा जाता है रचनावाद की प्रथम लहर, रचनावाद की प्रथम लहर। और वहां पर वाइगोत्स के इन्होंने जो सामाजिक रचनावाद दिया उसको रचनावाद की दूसरी लहर कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 13 का, निकटतस्थ विकास का क्षेत्र ZPD। देखो ये आरपीएससी 2020 के अंदर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके यहां पर बात बनती है कि आपसे इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, निकटतस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा दी गई है। तो साथियों यहां पर आ जाएगा आपका वाइगोत्स्की की, राइट आंसर किसका आ जाएगा? वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? अब देखो सेम का सेम प्रश्न है, आपको पता है राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर, राजस्थान के अंदर ये जो साफ नजर नहीं आ रहा है क्यों, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। हाँ तो आप थोड़ा आप देखो थोड़ा सा करो इसको। समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बंडूरा वाइगोत्स की, ब्रूनर और पियाजे। तो यहां पर वही है ZPD वाला, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय, तो ये आपका वाइगोत्स की। और ये साथियों आपका अंतिम प्रश्न है,
यह वायगोतस किससे जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है, फिर हम अपने नैतिक विकास पर आते हैं। वायगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। वायगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, सांवेगिक उपकरण और व्यक्तिगत उपकरण। प्यारा प्रश्न है साथियों, यहां पर बच्चों की तरफ से जो जवाब आ रहा है, अच्छा आ रहा है, सभी बच्चे वो राइट आंसर दे रहे हैं। यह सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। यह था साथियों आपके द्वारा जो टॉपिक पढ़ा गया था वायगोत्स्की का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उनसे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, वो तमाम प्रश्नों पर हमारी इस सेशन में चर्चा हुई है। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला जो बिंदु हमारा आ रहा है वो आ रहा है साथियों बालक का नैतिक विकास। एक बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे का नैतिक विकास जो होता है वो किस प्रकार होता है? देखिए, हमने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर बात की है, हमने बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर बात की है, हमने बच्चे के संवेगात्मक विकास पर बात की है, और उसी कड़ी के अंदर आयाज है बालक का नैतिक विकास। नैतिक का मतलब होता है साथियों कि एक बालक उचित अनुचित, एक बालक है वो उचित अनुचित, एक बालक अच्छा और बुरा, एक बालक है उचित अनुचित, अच्छा और बुरा, क्या सही है क्या गलत है, इनमें अंतर करने की जो योग्यता होती है, किसकी? उचित और अनुचित, गुड बैड, सही गलत के बीच में, अच्छा बुरा के बीच में जो अंतर करने की योग्यता होती है, हम उसे सामान्य तरीके, सामान्य शब्दों में हम उसे नैतिक विकास कहते हैं। तो एक बच्चे का नैतिक डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर विभिन्न विद्वान लोगों ने अपने सिद्धांत दिए। उनमें से दो सिद्धांतों के ऊपर अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है। सिद्धांत नंबर वन है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर साथियों बात की है, और दूसरी बात की है आपके कोहलबर्ग ने। तो पियाजे है वो दो अवस्थाओं की बात करते हैं, नैतिक विकास के ऊपर सिर्फ दो अवस्थाओं की बात करते हैं, उसके ऊपर हम बात है वो कल करेंगे। आज के सेशन के अंदर हम सिर्फ कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके ऊपर हम इस सेशन में बात कर रहे हैं। देखो, कोहलबर्ग है वो आपके अमेरिकन विद्वान है, कोहलबर्ग है वो एक अमेरिकन विद्वान है साथियों, और यहां पर शिकागो विश्वविद्यालय के आपके मनोविज्ञान विभाग में, फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रोफेसर थे मनोविज्ञान के। इन्होंने कोहलबर्ग ने साथियों जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसी के लिए इनकी ख्याति है, इनकी जो ख्याति है, इनकी जो प्रसिद्धि है, वो इस नैतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर ही है। इनकी जो किताब है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का जो मनोविज्ञान है, नैतिक विकास का मनोविज्ञान, एक इस नाम से है। इसके बाद में मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, तमाम तरह की पुस्तकें वो इनके द्वारा रची गई है। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि है इनकी, किनकी? कोहलबर्ग, कहां के विद्वान? अमेरिकन विद्वान है। वह नैतिक विकास, इन्होंने नैतिक विकास के ऊपर बढ़िया तरीके का काम किया कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने यह देखा कि एक बच्चे का जो नैतिक डेवलपमेंट है, वो नैतिक डेवलपमेंट एक तो बालक की जो बौद्धिक योग्यता होती है, कौन सी योग्यता साथियों? बच्चे की जो एक बौद्धिक योग्यता होती है, नैतिक विकास बराबर एक तो बालक की कौन सी योग्यता? बौद्धिक योग्यता। बौद्धिक योग्यता का मतलब है साथियों कि एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो गया, एक तो यह बच्चे के नैतिक विकास को प्रभावित करता है। दूसरी बात साथियों जो इन्होंने की है वो किया लालन पालन की, लालन पालन,
गुणा। तीसरी बात साथियों जो बात की है उन्होंने, वो की है अधिगम की। किसकी बात की है? अधिगम की। क्या बच्चे को सिखाया क्या गया है? एक बच्चे का नैतिक विकास इन तीनों का गुणनफल होता है। किसके अकॉर्डिंग? कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। कोहलबर्ग जो अमेरिकन विद्वान है, इनका यह कहना है कि एक बच्चे का नैतिक विकास जो होता है वो उस बच्चे का बौद्धिक जो योग्यता होती है उसका, यानी बौद्धिक विकास, दूसरा बच्चे का लालन पालन किस परिवेश में हो रहा है, तीसरा वो बच्चे को क्या चीजें सिखाई जा रही है, इन तीनों का जो गुणनफल होता है, इन तीनों का जो संयुक्त परिणाम होता है, वही किसका, वही आप यूं कह सकते हो कि नैतिक विकास होता है। इन तीनों का गुणनफल है, उसका नतीजा बालक का नैतिक विकास है। एक चीज सही है या गलत, एक चीज उचित है या अनुचित, एक व्यवहार है वो सही है या गलत, इसको एक बच्चा जब जज करता है तो तीन बड़ी चीजें प्रभावित करती है। नंबर वन बौद्धिक योग्यता, नंबर दो लालन पालन, नंबर तीन अधिगम। अब देखो कि ये जो चीजें हैं इसके ऊपर कोहलबर्ग ने किस तरह से बात की है। कोहलबर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास को समझाने के लिए, उनका साथियों एक कहानी आती है, जो कहानी आती है विशेष करके उन्होंने जब भी नैतिक विकास की बात की तो विभिन्न आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके सामने दुविधा रखी, दुविधा, उनके सामने नैतिक धर्म संकट खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? नैतिक धर्म संकट। इसको बोलते हैं हिंज डिलेमा, यानी एक इस तरह की दुविधा भी कह सकते हो आप इसको साथियों, दुविधा या नैतिक धर्म संकट खड़ा कर दिया। बहुत तरह की कहानियां हैं वो कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाई, उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो हिंज के साथियों, हिंज की कहानी। किसकी कहानी है? हिंज की कहानी है। ये प्रतियोगी परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, ये इस बार भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। यहां पर कोहलबर्ग ये बताते हैं, बच्चों को कहानी सुनाते हैं और कहानी सुना करके उन बच्चों को एक नैतिक धर्म संकट में खड़ा करते हैं। उन बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर बच्चों के नैतिक जजमेंट है ना, उसको पढ़ा जाता है। देखिए यहां पर कोहलबर्ग ने जो कहानी सुनाई संक्षिप्त रूप में मैं भी आपको बताता हूं। यह बात जो है वो यूरोप की बात है और यूरोप के अंदर एक व्यक्ति होता है हिंज और उसकी पत्नी ये बीमार हो जाती है, उनकी पत्नी बीमार हो जाती है और तो यूरोप के अंदर इस हिंज को पता चला है कि एक मेडिकल स्टोर वाला, एक मेडिकल वाला है उसके पास में इसकी दवाई है, जो उसकी पत्नी बीमार हो गई है उस पत्नी की बीमारी का इलाज हो सकता है। अनुमानित ये कहा गया कि उसको कैंसर है और उस कैंसर का इलाज है वो एक मेडिकल स्टोर वाले के पास में जो दवा है उससे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। वो एक रेडियम से रिगार्डिंग है कुछ, कोई ट्रीटमेंट था। तो यहां पर जब हिंज है वो उस स्टोर, मेडिकल स्टोर वाले के पास गया कि भाई मेरे को, मेरी पत्नी बीमार है और मुझे दवा चाहिए। तो दुकानदार ने, मेडिकल स्टोर वाले ने साथियों, वो जो दवा थी वो $200 की थी, वो $200 की थी, लेकिन उसकी जो पैसे मांगे गए थे ये मांगे गए थे $2,000, $2,000 रुपए उससे मांगे गए। तो $2,000 रुपए उसके पास में नहीं थे, उसने अपने रिश्तेदारों के पास में, यार दोस्तों सबके पास में प्रयास किया, लेकिन ये मात्र और मात्र $1,000 जुटा पाया। $1,000 के लेकर के ये गया दुकानदार के पास में, मेडिकल स्टोर वाले के पास में। मेडिकल स्टोर वाले को कहा कि भाई ये तो $1,000 लो, $1,000 में आपको बाद में दे दूंगा, मुझे दवा दे दो। तो मेडिकल स्टोर वाला बोला कि ऐसा नहीं होगा, मेरे को एक अवसर मिला है, मैंने बड़ी मुश्किल से ये दवा वगैरह जुटाई है और मैं इससे पैसा कमाना चाहता हूं, मैं आपको $2,000 के बिना नहीं दूंगा। अब यहां पर बच्चों को दुविधा में डाला किसने? कोहलबर्ग ने बच्चों को दुविधा में डाला कि अगर ये दवा नहीं मिलती है तो हिंज की पत्नी मर जाएगी और अगर उसके पास में पैसे नहीं है। तो बच्चों को अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए साथियों, हर उम्र के बच्चों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ करके और बच्चों की नैतिक तर्कणा के ऊपर बात की है कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब बच्चों को आप धर्म संकट में, बच्चों को जब आप दुविधा में डालते हो
और बच्चों को कहानी इस इंटरेस्टिंग वे के अंदर आप सुनाते हो कि बच्चे लालायित होकर के, बच्चे रुचि लेकर के उसका उत्तर देना चाहें, तो हम उस बच्चों के नैतिक विकास को समझ पाएंगे। ये काम जबरदस्त तरीके से किया किसने? कोहलबर्ग ने। किसकी कहानी है? हिंज की कहानी। आरपीसी में फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न यही आया कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हिंज कहानी या हिंज की दुविधा कहानी का उल्लेख किया है? तो किसने किया? कोहलबर्ग ने किया। तो ये कहानी है, इसी के आधार पर बच्चे के नैतिक तर्कना की बात की है। अब देखो यहां पर कोहलबर्ग जब नैतिक विकास की बात करते हैं तो कोहलबर्ग ये कहते हैं कि बच्चे के नैतिक विकास के तीन स्तर हैं। बच्चे के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तीन स्तर हैं, तीन लेवल कह सकते हो इसको। नैतिक विकास के स्तर या लेवल तीन होते हैं और प्रत्येक लेवल को, प्रत्येक लेवल की दो स्टेज है। स्टेज का मतलब है अवस्था और लेवल का मतलब है स्तर। तो यहां पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के तीन तो स्तर बताए हैं और छह अवस्था बताई है। प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक लेवल की दो अवस्थाएं हैं। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं साथियों, इसी पर प्रश्न आता है, ध्यान दे लेना। आपके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर हैं, नैतिक विकास के जो लेवल हैं, स्तर कितने बताए हैं? तीन बताए हैं। यहां पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था कितनी बताई है? छह अवस्थाएं बताई हैं। प्रत्येक लेवल की, प्रत्येक लेवल की दो अवस्थाएं हैं। देखो बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए तर्क और चिंतन का विश्लेषण जरूरी है। नैतिक विकास की छह तो अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? छह अवस्थाएं हैं और स्तर कितने? तीन स्तर हैं। कोहलबर्ग ये कहते हैं कि नैतिक विकास की, नैतिक विकास का जो पहला स्तर है, नैतिक विकास का जो पहला लेवल है, उस लेवल को नाम दिया गया है पूर्व नैतिक या पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर। चार साल से लेकर के 10 साल तक के बीच में बच्चे का जो नैतिक स्तर है वो पूर्व पारंपरिक है, पूर्व रूढ़िगत भी कह सकते हो आप इसको, पूर्व रूढ़िगत भी कह सकते हो, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व रूढ़िगत अवस्था है ये, पूर्व नैतिक या पूर्व पारंपरिक नैतिकता अवस्था है। अब यहां पर प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कह सकते हो आप, प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कह सकते हो इसको। तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर है वो 4 से 10 वर्ष है। आपके दिमाग में आएगा का सर 4 से पहले वाली अवस्था, तो यहां पर दो विद्वान है, एक तो है आपके पियाजे और दूसरे विद्वान है कोहलबर्ग। ये दोनों विद्वान ये कहते हैं का जन्म से लेकर के, कहां से लेकर के? जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक है, 3 वर्ष तक है वो नैतिकता का डेवलपमेंट नहीं होता है, नैतिकता का डेवलपमेंट नहीं होता, ध्यान दे लेना। इसलिए वो उसके नैतिक स्तर की बात नहीं करते हैं। कब? देखो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें जो पहला लेवल शुरू होता है वो कहां शुरू होता है? 4 से 10 साल का है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 4 साल से पहले वाली अवस्था कहां गई? तो कोहलबर्ग और पियाजे दोनों ये कहते हैं कि 4 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों का नैतिक विकास नहीं होता है। तो जब बच्चों का नैतिक विकास नहीं होता तो उनके विचारों की बात हम नहीं करेंगे। सिंपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना है। कोहलबर्ग ने पहली जो अवस्था का उल्लेख किया वो किया है 4 से 10 वर्ष का। क्या नाम दिया? पूर्व नैतिक या पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर। अब आप कहोगे कि इस अवस्था के अंदर, इस अवस्था के अंदर बालक का नैतिक विकास कैसे होता है? तो इसके दो अवस्था बताइए। एक तो बताइए सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन, और दूसरा है इनाम और अन्य लाभों के लालच में अनुपालन करने की अवस्था। बहुत ही सरल है, पहली अवस्था है किसके अकॉर्डिंग? कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग है। कोहलबर्ग यह कहता है कि इस अवस्था में कब से? 4 साल से 10 वर्ष तक। 4 साल से 10 वर्ष तक का जो बालक होता है वो उस बात को, वो उस व्यवहार को नैतिक मानता जो उसको दंड से बचा दे। ध्यान दे लेना, पहली जो स्टेज है वो सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था है। नैतिक क्या है?
नैतिक वो है जो उसे दंड से बचा दे। जो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो उन छोटे बच्चों की नैतिक तर्कणा इसी प्रकार की होती है। जो बच्चों को दंड से बचा दे वो व्यवहार नैतिक होता है। सिंपल सी बात यह है, इसको यूं समझ लो साथियों, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथों से कई बार कोई वस्तु वगैरह ऐसी गिर जाती है साथियों, तो जब गिर जाती है तो उनके अंदर ये भाव आता है कि कानून टूट गया है, नियम टूट गया है, अब दंड निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि एक सर्वमान्य जो रूल है वो ब्रेक हो चुका, वो टूट चुका, दंड मिलना ही है। तो जिस व्यवहार से दंड नहीं मिलता ने वो नैतिक है, जिस व्यवहार से दंड नहीं मिलता वो क्या है, वो नैतिक है। किसके लिए? बच्चों के लिए। कौन सी उम्र है? 4 से 10 साल की। कौन सा लेवल है? लेवल पहला है, स्टेज भी कौन सी होगी? पहली, पहले लेवल की पहली स्टेज है। उसी के अंदर दूसरी स्टेज आती है इनाम पाने की। जैसे पहली थी दंड से बचने की, उसके बाद में दूसरी स्टेज आती है पुरस्कार पाने की। जिस काम से बच्चों को पुरस्कार मिलता है, जिस काम से, जिस व्यवहार से बच्चों को पुरस्कार मिलता है वो नैतिक है। यानी बच्चे को टॉफी मिल गई किसी काम को करने से, उस बच्चे को ये टॉफी मिल गई कि बेटे अरे यार तूने तो गजब कर दिया, तूने तो मम्मी का पापा का चांद नाम निकाल दिया, तूने तो बहुत प्यारा काम किया, तो ये उसके लिए नैतिक है। चाहे भले ही किसी बच्चे के पत्थर मारा उसने, क्योंकि उसके बदले में उसको क्या मिल गया है, उसको उसके बदले में शाबाशी मिल गई है, उसके बदले में उसको इनाम मिला है। तो जो इनाम मिलेगी ना जिस व्यवहार से, उसको नैतिक मानेगा। जिस व्यवहार से उसको दंड मिलेगा उससे वो बचना चाहेगा। ये दो स्टेज हैं साथियों, दो अवस्थाएं। अवस्था नंबर 1 दंड से बचने की, अवस्था दूसरी कौन सी है? इनाम पाने की। पहली के अंदर वो नैतिक है चीज जो उसको दंड से बचाए, दूसरी स्टेज के अंदर वो जो आपका व्यवहार है वो उसके लिए नैतिक है, वो उचित है, वो सही है, वो गुड है, जो उससे को क्या दिला दे? इनाम दिला दे। क्योंकि इस अवस्था के अंदर पुरस्कार पाने की भी अभिप्रेरणा प्रबल होती है साथियों। ये दो अवस्था साथियों आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये दो स्टेज आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिक विकास का पहला स्तर है, उसको बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत अवस्था। कौन सी? पूर्व रूढ़िगत स्तर है ये। उसको क्या बोलते हैं? पूर्व पारंपरिक नैतिकता है। उसको क्या बोलते हैं? पूर्व नैतिक स्तर बोलते हैं इसको। ये दो चीजें हैं, वो आप अपने दिमाग के अंदर एक बार बिठाइए। नहीं नहीं नहीं, ये आप पर लागू नहीं होगा। ये एक बच्चे के अंदर नैतिक तर्कणा कैसे डेवलप होती है, बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास कैसे होता है, इसके लिए है। तो उन्होंने जो पहली अवस्था बताई 4 से 10 वर्ष, लेकिन ध्यान देना ये जो स्टेज है 4 से 10 साल वाली, क्योंकि हम तो बच्चे के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के विकास के अकॉर्डिंग हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेज के अंदर, इस स्टेज के अंदर बड़े लोग भी होते हैं। इस ये जो स्टेज है 4 से 10 साल वाले होते हैं, जो मानसिक रूप से मंद होते हैं ना, जो मानसिक रूप से जो मंद होते हैं उनका नैतिक तर्कना यहां तक ही होता है। जो लोग मानसिक स्तर पर कमजोर होते हैं उनका नैतिक तर्कना यहां तक ही होता है, चाहे भले ही वो कितने बड़े क्यों ना हो जाए। ध्यान दे लेना इस चीज का। जो लोग बौद्धिक दृष्टि से कमजोर होते हैं उन बच्चों का नैतिक स्तर इसी अवस्था तक रहता है। यानी चाहे वो 50 साल के हो गए हो, लेकिन उसका जो उचित अनुचित सही गलत का जो निर्णय होता है वो 9-10 साल तक का होता है। इसको कई जगह के ऊपर कुछ अच्छी किताबों के अंदर 9 वर्ष का दे रखा था, 9 वर्ष का, क्या वो 9 साल का जो बालक सोचता समझता है उचित अनुचित के संबंध में, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो बड़ी उम्र के लोग भी व्यवहार करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करते, करते हैं, लेकिन क्योंकि हम तो वृद्धि विकास को पढ़ रहे हैं तो उस विकास के अंदर हम बालक का जो मेच्योरिटी स्तर है, परिपक्व स्तर तक बच्चे का
कौन कौन सा विकास किस तरह से होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। इसलिए हम 4 से 10 साल के बच्चे के अंदर ये नैतिक तर्कना कैसे आपकी, उस पर बात हो रही है। 4 से 10 साल का जो बालक है उस बालक का नैतिक विकास की पहली अवस्था है, नाम है पूर्व नैतिक, पूर्व पारंपरिक नैतिकता या पूर्व रूढ़िगत अवस्था बोलते हैं। और इसकी 2 अवस्थाएं हैं, अवस्था नंबर पहली है दंड से दूर रहने की और दूसरी है पुरस्कार पाने की। पहली अवस्था दंड से दूर रहने का मतलब हो गया कि वो व्यवहार करेगा जिससे वो दंड से बचे, दंड नहीं मिलना चाहिए, वो उसके लिए उचित है। और दूसरी अवस्था उसके अंदर आ जाती है कि जिस व्यवहार से उसको इनाम मिलता है वो उसके लिए नैतिक है। इसके बाद में साथियों आता है आपकी उनकी दूसरी अवस्था, दूसरा लेवल है ये, दूसरा स्तर है, ध्यान दे लेना। इसको बोलते हैं पारंपरिक नैतिकता, इसको बोल सकते हो आप रूढ़िगत, क्या बोल सकते हो, रूढ़िगत अवस्था है ये। कौन सी अवस्था, रूढ़िगत अवस्था। तो रूढ़िगत अवस्था के अंदर बालक क्या करता है का जो समाज के नियम होते हैं ना, किसके, समाज के नियम, समाज के नियम, समाज की आस्था, समाज की परंपराएं, ये जो सारी चीजें होती है इनके अकॉर्डिंग जो चीज सही है वो उचित होती है। समाज के द्वारा जो नियम कानून कायदे सिस्टम जो थोपे जाते हैं वो उसके लिए नैतिक होते हैं। कौन से स्तर पर, पारंपरिक नैतिकता स्तर पर। ये कौन सी अवस्था है, 10 से 13 साल। समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून कायदे हैं, उनकी पालना करना नैतिकता है। पहली अवस्था कौन सी थी, पहली आपकी दंड से बचने और पुरस्कार पाने से जुड़ी हुई थी। यहां पर क्या है, यहां पर है साथियों कि जो समाज ने, जो राज्य ने, जो सिस्टम ने, जो व्यवस्था ने नियम बना दिए, जो आस्था बना दिए, परंपराएं बना दिए, उसके अकॉर्डिंग जो व्यवहार है वो तो होगा नैतिक, और जो समाज के नियम आस्था परंपराओं को तोड़ेगा वो होगा अनैतिक। ये उसके बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे जो दूसरा स्तर है उसके अंदर तीसरी अवस्था है अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध, इसको बोलते हैं उत्तम लड़का उत्तम लड़की कहलाना। 10 से 13 साल की उम्र में जिस व्यवहार को करने से लड़के को यह कहा जाएगा फलाने का लड़का यार बड़ा समझदार है, फलाने की लड़की है ना वो तो बहुत समझदार है, तो उस लड़के को और लड़की को ऐसा फीलिंग हो रही है, यानी उत्तम लड़का और उत्तम लड़की कहलाने की जो भाव आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मेहमान आया तो आदर भाव सत्कार शिष्टाचार के साथ में आप पेश आए, कर नमस्ते वगैरह, भाई फलाने का लड़का लड़की तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ी हो गई है, बहुत समझदार हो गई है, ऐसी बातें ना वो कहलाना उसको अच्छा लगता है। तो जिससे समाज के अंदर हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग, हमारे गुरुजन, अन्य जो लोग, जिस व्यवहार को करने से हमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहते हैं वो हमारे लिए नैतिक है। क्या है, नैतिक है। अगर आपने देखा होगा कई बार कुछ मुंह फट होते हैं, प्रश्न दाग देते हैं, प्रश्न खड़े करते हैं, तो हमारा समाज कहता है भाई नहीं तो भाई वो लड़का लड़की बहुत प्रश्न वगैरह करते हैं, तो वो उनके अच्छे लड़के लड़की के ऊपर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो उनकी भूमिका कमजोर हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, ये रूढ़िगत अवस्था, रूढ़िगत परंपरा पारंपरिक नैतिकता का स्तर है। ये समाज के नियम आस्था परंपराएं हैं उनकी पालना जो करता है वो नैतिक है, जो इनको चुनौती देता है वो अनैतिक है। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। ये अवस्था तो कौन सी हो जाएगी, तीसरी अवस्था हो जाएगी, और वैसे स्तर कौन सा हो जाएगा, लेवल कौन सा हो जाएगा, लेवल दूसरा हो जाएगा। कौन सी साल है, 10 से 13 साल। पहली अवस्था कौन सी थी 4 से लेकर के 10 साल, दूसरी कौन सी है, 10 से 13 साल। तीसरा आया इसके अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी समाज के, जैसे राज्य सरकार नियम बनाती है
केंद्र सरकार नियम बनाती है, विभिन्न आयोग, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम नियम वगैरह बनाती है, उच्च अधिकारीगण सामाजिक संगठनों के द्वारा जो प्रतिबंध से बचने हेतु, जैसे नहीं होता है क्या, अगर आप रूल तोड़ोगे तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, ट्रैफिक नियमों को तोड़ोगे तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, तो समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा जो नियम कानून कायदे उनकी पालना करना नैतिक है, और जो इन राज्यों के द्वारा, संगठनों के द्वारा जो नियम कानून कायदे बनाए गए इनको ब्रेक करने का मतलब अनैतिक है। अब ये साथियों दूसरा नैतिकता का स्तर है। कौन सा स्तर है? दूसरा नैतिकता का स्तर है। इसके बाद में देखो आप, यह है आपका तीसरा स्तर। तीसरा स्तर आता है 13 वर्ष से और उसके बाद में अधेड़ प्रौढ़ावस्था में। यह जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट होई, यह डेवलपमेंट लंबा चलता है, यानी लेकिन 13 साल के बाद में डेवलप होगा। यह तीसरा जो स्तर आता है साथियों, तीसरा स्तर है वो अंदरूनी आपकी आत्मा की आवाज, आपका अंतःकरण क्या कहता है, इससे जुड़ा हुआ। इसलिए इसका नाम क्या है? स्वमान्य नैतिक सिद्धांत। स्वमान्य, अंतरात्मा की आवाज कई बार कहते हो ना, उसके लिए जो पहले वाले जो ये चीजें थी नहीं है, समाज के नियम कानून कायदे इसके लिए कोई मैटर नहीं करते, ये अपने अंतःकरण की बात करता है, अपनी आत्मा की आवाज की बात करता है। क्योंकि जब 13 वर्ष से बड़ा हो गया है तो इस बच्चे का बौद्धिक विकास हो गया। क्या हो गया साथियों? इस बच्चे का बौद्धिक विकास पूरा हो गया है। अगर पियाजे की बात करें तो पियाजे के अकॉर्डिंग अमूर्त चिंतन की अवस्था आ गई है, उसकी बुद्धि का पूरा विकास हो गया। इसके अलावा उस बालक को अधिगम यानी बहुत कुछ इसने क्या कर लिया, इसने सीख भी लिया बहुत कुछ। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका इंटरनल डेवलपमेंट हो गया पूरा। अब ये खुद, इसका मानसिक जो योग्यता होती है ना, मानसिक योग्यता, ये इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि ये खुद क्या सही है क्या गलत का निर्णय लेने की स्थिति में है। तो ये राज्यों के इन चीजों को ये नहीं मानेगा, ये अपने अंतरात्मा की बात करेगा, अपनी आत्मा की आवाज की बात करेगा। वो ये कहेगा कि एक इंटरनल यानी मैं क्या सोचता हूं, मेरी आत्मा क्या कहती है, मेरी समझ क्या कहती है, इसकी बात करेगा वो, राज्य की उनकी बात नहीं करेगा। देखो, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये एक अवस्था है, एक अवस्था पांचवी स्टेज है। ये स्टेज क्या कहती है कि जिससे एक इंसान की आजादी, एक इंसान की आजादी के आजादी को प्रोत्साहन मिलता है, वो नैतिक है, वो नैतिक है। जैसे मान लीजिए कि कल परसों है वो अपने यूपी के अंदर एक इनकाउंटर हुआ, राज्य सरकार ने कहा कि वो एक मुठभेड़ थी, वो भागने का प्रयास किया, लेकिन अन्य जो लोग हैं मीडिया वगैरह वो ये कह रहे हैं कि वो एक सोची समझी नीति के तहत है, वो एक फेक इनकाउंटर था। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि समाज के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका क्या कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं साथियों। वो विरोध इसीलिए कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उनके अधिकारों को इस तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आज आपका और वो चीजें हो रही है, राजस्थान के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, तो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है तो इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि यार जो जनतांत्रिक जो मूल्य है, यानी हम लोगों ने वोट दिया, वोट एक पार्टी को दिया, लेकिन अब ये हमारे भावनाओं का सौदा कर रहे हैं और वो उसको अनैतिक बता रहे हैं। ये साथियों पांचवी स्टेज है। बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, कि देखो अभी सरकार गिरेगी, ये सरकार बनेगी, तो वो इससे पहले वाली स्टेज के ऊपर है। लेकिन यहां पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से विधायक चुने गए थे और हमने एक भावनाओं में बह करके एक राजनीतिक पार्टी के तहत हमने उसको वोट किया था और अब वो इसका अपमान कर रहे हैं, तो उनकी इंटरनल जो उनकी आत्मा कुछ अलग ही बात कह रही है। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्ति के जो अधिकार है ना, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के अधिकारों के लिए, जिससे मानव को एजुकेशन ज्यादा मिले, जिससे मानव को आजादी मिले, जिससे मानव के चहुमुखी विकास के ऊपर बात हो रही हो, वो चीजें हैं वो उचित होगी और उसी के ऊपर ये बात करता है। पांचवी अवस्था इसी पर बात करती है। छठी अवस्था आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अपनी आत्मा की आवाज पर चलने की अवस्था है। ये जैसे महात्मा गांधी जी है, वो आपको पता होगा
कि जब भारत का विभाजन हो गया तो विभाजन होने के बाद में भी पाकिस्तान के पक्ष में जो भारत सरकार के द्वारा कुछ पैसे पाकिस्तान को दिए जाने थे उसके संबंध में आपके महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत सरकार ने जो वादा किया था 5 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का वो देने हैं। तो बोला क्यों देना है, पाकिस्तान ने तो टेक कर दिया। बोला नहीं, भारत की सीमा के उस पार भी जो लोग हैं वो इंसान लोग हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। वो किसकी बात कर रहे हैं साथियों? वो अपनी आत्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, आत्मा की आवाज की बात कर रहे हैं साथियों। इसको और डिटेल के अंदर साथियों मैं कल दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करूंगा, इसको सलीके से पढ़ना। ये जो मैंने स्टेज बताई है इसको ठीक तरीके से पढ़ लेना, एकदम से स्पेसिफिक है, ये सही है। प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, इनको 3-4 बार पढ़ना। कल मैं एक तो पियाजे के नैतिक विकास को सिद्धांत को पढ़ाऊंगा, इसको एक बार फिर रिवाइज करूंगा, और कल इससे जुड़े हुए 15-20 प्रश्न भी लाऊंगा। किसके? एक तो आपके कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत और एक आपका पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत है, तो उसके माध्यम से ये चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। आप मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि देखो ये 1 मिनट में समझ में नहीं आएगा, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बातें भी हैं, तो आपके 2-3-5 बार पढ़ने के ऊपर आपकी ये सारी की सारी स्टेज जहन के अंदर दिमाग में अंदर बैठ जाएगी। हम साथियों 9 बजे मिलेंगे फिर, और आपका रामबाण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के साथ में, और उसके अंदर हम ढेर सारे बढ़िया शानदार तरह के क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप है वो अपना अध्ययन को जारी रखिए और पढ़ते रहिए, लगे रहिए, अपने हौसले बुलंद रखिए। और अगर आपको ये सेशन ठीक लगता है तो अपने यार दोस्तों के साथ